करण जौहर फिर फंस चुके हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में। उनके ही कहे कुछ शब्दों ने उन्हें डाल दिया है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में। दरअसल उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म ए दिल है मुश्किल में अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर अलीजे को इसीलिए मारा क्योंकि वो उन्हें पनिश करना चाहते थे। उन्हें इंटरनेट पर इस कमेंट के लिए लेफ्ट एंड राइट सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं। आप भी देखें इन मीन ट्रोल्स को। है ना ये काफी शॉकिंग बात। वेल, जिनको इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता उनको बता दे कि करण से ये पूछा गया कि क्या वो अपनी पास फिल्मों में कुछ चेंज करना पसंद करेंगे, तब उन्होंने कहा, एक्चुअली आई हैव अ प्रॉब्लम विद ऑल माय फिल्म्स बिसाइड्स ए दिल है मुश्किल बिकॉज दैट्स अ फिल्म आई वांटेड टू मेक इवन व्हाइल नोइंग दैट द लास्ट एक्ट मे गेट अ पोलराइज्ड रिस्पॉन्स। इट्स अ फिल्म आई वांटेड टू मेक बिकॉज इट्स पर्सनल एंड वाज कैथार्टिक फॉर मी। रणबीर कपूर प्लेड मी। आई वांटेड टू डील विद द इंजरी कॉज्ड बाय अ हार्ट ब्रेक। The last track met with many polarized responses and rightfully so. But I was like she, Anushka Sharma's character Alize, who doesn't reciprocate Ayan's feelings, didn't love him. She has to die. I wrote this character. He loved her so crazily. She could have loved him back. Why couldn't she? So she got cancer and she died. इस बात को सुनकर लोग already irritated हो गए थे, लेकिन कारण यहाँ रुके नहीं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो अनुष्का को सजा दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने आयान यानी कि रणबीर के प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया, तब करण ने कहा, वेल शी गॉट पनिश्ड, आई रोट इट। सी अ फिल्म मेकर इज अ गॉड, यू राइट, यू क्रिएट एंड यू डिस्ट्रॉय। एक जर्नलिस्ट को ये बात काफी प्रॉब्लमैटिक लगी, लेकिन करण ने ये पूछ लिया कि ये बात प्रॉब्लमैटिक कैसी है और आगे कहा, ही वॉज नॉट इनअप्रोप्रिएट विथ हर, आई मीन ओके यस इन दैट वन पार्ट, that one section on the terrace, right? I didn't look at it like that. To me, he was just a puppy who was just in love, and it's not like she didn't love him. She just didn't love him in the way that he wanted her to love him. Karan is baat ke liye maafi bhi nahi mangna chahte. Unhone kaha, about the physical aggression, I apologize. That is not something I had thought of earlier, and I should have. But I'm not going to be apologetic about his relentlessness and his love, because he loved her even after she was gone. इनफैक्ट इंटरव्यूअर ने करण को सजेस्ट किया था कि वो अनुष्का को बिना मारे ही अपने रास्ते जाने दे देते, पर तब करण ने कहा, एंड दैट वाज आल्सो अ थॉट, यस बट आई सेड नो, शी हैज टू डाई, आई कुड नॉट हैव गॉन इन ही ऑन इट, बट दिस इज हाउ आई एनविसेज्ड ए दिल है टू बी, आई वांटेड अनुष्का टू डाई, आई डिडंट चेंज इट टिल द एंड। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि करण ने जिस इंसान को ध्यान में रखते हुए ये मूवी बनाया उस इंसान ने भी इस फिल्म को देखा है। करण ने रिवील किया, Yeah, the person definitely has seen the movie and given me an opinion and everything, and now it's a part of my emotional legacy. Every other film is my love for Hindi cinema, but this is my most personal film. I can't see it anymore. I can't see it ever because I go through a lot and it takes me back to the time that I don't want to think of. Like that scene where he puts a gamla on his chest. Heartbreak is actually like a physical weight. The film takes me back to that space. काश करण इस बात को समझ पाते कि हार्ट ब्रेक जिंदगी का हिस्सा है और उस वजह से कभी किसी की मरने की ख्वाहिश करना गलत बात है। आपके क्या थॉट्स है करण के इस विचार पर? कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं।